हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। डिलीवर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को एंड बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लें। आइए हम मेरे भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, आत्मिक योद्धा बने। जिस तरह न्यायियों की पुस्तक अध्याय 3 की 1-2 आयत में लिखा है, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इसराइलियों में से जो लड़ाइयों को पहले न जानते थे वे सीखें और जान लें। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें कि परमेश्वर के राज्य में आम लोगों की कोई जगह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में एक योद्धा ही प्रवेश कर सकता है। जब आप बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब इजरायली लोग कनान देश में पहुंच चुके थे तो परमेश्वर ने उनसे कहा था कि मैं कुछ दुश्मनों को तुम्हारे आसपास रखूंगा ताकि जितने लोग लड़ाई करना नहीं जानते वह सभी लड़ना सीख सकें, क्योंकि इन इजरायलियों में बहुत से लोग ऐसे थे जो यह नहीं जानते थे कि परमेश्वर ने उनको मिस्र से किस तरह निकाला है। उनकी उम्र उस समय बहुत छोटी थी, इसलिए परमेश्वर ने उन अन्य जातियों को अनुमति दी कि वह उनसे लड़ें ताकि इजरायली लड़ना सीख सकें। याद रखें, आप एक फिक्स मैच के अंदर हैं और यह वह मैच है जिसको आप पहले से ही जीत चुके हैं। आपके आसपास परमेश्वर जितनी भी चुनौतियां रख रहा है वह केवल आपको बढ़ाने, लड़ना सिखाने और आपकी गवाही बनाने के लिए परमेश्वर की ओर से है। अगर आप नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को कोड़े पड़े, बैंते पड़ी, सिर पर कांटों का ताज पहनना पड़ा। पर लिखा है कि जब वह उस क्रूस को उठाकर उस पहाड़ पर जा रहे थे जहाँ पर उनको क्रूस पर चढ़ाया जाना था, तो वह समय ऐसा था कि जब उनसे वह क्रूस नहीं उठाई गई और वही सबसे ज्यादा बेइज्जती वाला समय था। मेरे प्रियो, आज आप उसी क्रूस को अपने गले में पहने हुए रहते हैं। एक बात को हमेशा याद रखें कि जिस चीज में आपका दुश्मन आपको सबसे अधिक शर्मिंदा देखना चाहता है, परमेश्वर उसी चीज में आपको आशीषित करता है और महिमा देने के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में ऐसी एक भी चुनौती नहीं है जो परमेश्वर ने आपको हानि देने या फिर मारने के लिए रखी हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम पहले से ही जीत चुके हो। अब जरा सोचिए कि अगर आप परमेश्वर के द्वारा पहले से ही जीत चुके हैं तो परमेश्वर आपको जीवन में चुनौतियाँ या परेशानियाँ क्यों हैं? इस बात का उत्तर आपको दाऊद के बारे में पढ़कर मिलता है। अगर दाऊद के सामने शेर न आता और वह उसे मारना न सीखता, भालू को मारना न सीखता, तो एक दिन गोलियत भी उसके हाथों से नहीं मरता। उसी तरह से अगर परमेश्वर आपके जीवन में कुछ लड़ाइयाँ या संघर्ष न दे तो आप कभी भी मजबूत नहीं हो सकते। परमेश्वर आपको अपने जीवन की बड़ी गवाही देने से पहले छोटी छोटी गवाहियां देता है जो आपके संघर्ष से बनती है। वही संघर्ष और लड़ाई जो परमेश्वर जानबूझकर आपके सामने रखता है। इसलिए कभी भी उन लोगों की बातों का गुस्सा ना करें जो आपके खिलाफ है, क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से है ताकि वह आपकी ताकत को बढ़ा सके। याद रखें, आज आपको वचन का ज्ञान रखने की जरूरत है कि परमेश्वर ने बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपकी चुनौतियां आपको गिराने के लिए हैं, बल्कि वह आपको जिताने, ऊंचा करने के लिए है। क्योंकि शैतान जिस भी चीज़ को आपको शर्मिंदा करने के लिए इस्तेमाल करेगा उसी में आपके गवाही सबसे बड़ी और अलग होगी। आमेन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं अंगीकार करता हूँ परमेश्वर कि मैं आपके वचन के ज्ञान में बढ़ते हुए हर एक चुनौती से लड़ूंगा और जीतूंगा और आपके नाम में बढ़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।
आमीन आमीन। सब कुछ जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।